हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, 2.2 एंड 2.3 जो है लास्ट वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर्स, यानी कुछ रूट में नंबर्स दिए उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, √3 इन ब्रैकेट √7 माइनस √3, हमें जो इसे मल्टीप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ √3 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। √3 इंटू √7 माइनस √3 इंटू √3, यानी फर्स्ट √3 जो दिया है उसे हमें ब्रैकेट में दिए हुए फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों ही टर्म का जो है रूट सेम है इसलिए उन्हें एक ही रूट में लिख लेंगे। 3 इंटू 7 माइनस, सेम प्रोसीजर जो है सेकेंड टर्म के साथ भी, 3 इंटू 3। 3 7 21, रूट के अंदर 3 इंटू 3 है यानी 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट जो होता है 3 होता है एंड 21 जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसे एज इट इज लिखेंगे। माइनस 3 प्लस √21, यहाँ पर जो है विदाउट रूट वाला टर्म जो है पहले लेंगे, बाद में रूट वाले टर्म को लिख देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय योरसेल्फ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स दिए हैं, इन्हें हम ब्रैकेट ओपन मेथड से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक ब्रैकेट को कांस्टेंट लिखना होता है दो बार। आप फर्स्ट ब्रैकेट को भी कांस्टेंट रख सकते हो, √3 √2 √3 √3 √2 √3 एंड सेकेंड ब्रैकेट को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट के पास और सेकेंड टर्म को उसके साइन के साथ सेकेंड ब्रैकेट के पास। देन हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह सॉल्व किए उसी तरह दोनों ही ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4√3 फर्स्ट टर्म को देंगे, 4√3 सेकेंड टर्म को देंगे। 4√3 इंटू 3√2 माइनस सेम 4√3 इंटू √3। सिमिलरली सेम प्रोसीजर विथ सेकेंड ब्रैकेट, √2 विथ फर्स्ट टर्म, √2 विथ सेकेंड टर्म, माइनस का साइन, √2 इंटू 3√2 माइनस माइनस बिकम प्लस √2 इंटू √3। ओके, यहाँ पर जो विदाउट रूट वाले नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप उन्हें पहले जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 3 12 इंटू रूट वाले टर्म को रूट में लिख लेंगे, 3 2 6 माइनस 4 √3 √3 जो है 3 हो जाएगा, माइनस 3 1 3 √2 √2 जो है 2 हो जाएगा, प्लस √2 × √3 √6 12√6 माइनस 4 3 12 माइनस 3 2 6 प्लस √6। रूट वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, √12 और √ रूट वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, 12√6
और 1 root 6 become 13 root 6 minus 12 minus 6 become -18 -18 and +13 root 6। हमेशा जो है विदाउट रूट वाले टर्म को पहले ही लिख देना है उसके साइन के साथ में, देन रूट वाले टर्म को उसके बाद लिखना है। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा।